सुबह सुबह उठ के योगा करने का अलग ही फायदे हैं, सबको पता है। मैं भी कोशिश करती हूँ जितना हो सके सुबह सुबह उठ के योगा करूँ। एक अलग ही ग्लो आ जाता है, बिलीव मी, स्किन पे। एंड आपको आई नो एनर्जी के फ़र्क नज़र आएंगे, बट वो विथ टाइम नज़र आएंगे। बट ग्लो तो एकदम शुरू से ही है। अगर आप भी फॉलो करते हो योगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं कौन से वीडियो फॉलो करके कर रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। Hi guys, good morning, welcome back to today's vlog and welcome back to my channel. I am Abrara and today is 9th of January. और आज का दिन का सुबह का मेरा क्लीनिंग वाला काम हो गया, मेरा योगा हो गया है जैसे आपने देखा। अभी मेरा काम बाकी है, दैट इज़ आई नीड टू फिल आउट माई प्लानर, क्योंकि कल रात को मैं कर नहीं पाई थी। कल रात को आई क्रैश्ड, मतलब बस फ्रेशन अप होकर खाना खा कर मैं सो लूँ और कुछ नहीं हुआ मेरे से एनीवे। और फिर अभी करना है जर्नल फिल आउट करना है, नहाना है एंड बहुत सारे अभी जो दिन के, अभी तो दिन की शुरुआत है। बट अभी हो रहा मौसम, मुझे टू बी ऑनेस्ट ये वाला मौसम अच्छा नहीं लगता। ये जो फेज जा रहा है अभी, द थिंग इज कोलकाता में ऐसी ठंडी बहुत ज़्यादा ऐसी होती नहीं है और ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। जनवरी का 10 हो गया, मतलब अभी सर्दी गया। अभी पौष मास बोलते हैं हम लोग बंगाली में, आई थिंक अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर जो उस हिसाब से भी ये मतलब बैशाख पौष, अब मैं इसको क्या बोलूँ हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक पौष ही बोलते हैं, थोड़ा अलग एक्सेंट में बोलेंगे। द थिंग इज ये महीने थोड़ा ठंड रहना चाहिए, पौष पार्वण के बाद, मतलब पौष पार्वण इस टाइम लोहड़ी होती है, मुझे लोहड़ी का पता है। तो इस टाइम पे जो लोहड़ी वाला फंक्शन, जो कल्चरल फंक्शन होता है, वही सेम चीज़ बंगाली में बोलते हैं पौष पार्वण, ठीक है। तो पौष पार्वण के बाद ठंडियाँ जान, मतलब सर्दियाँ जानी शुरू होती है हमारे यहाँ पे। तो अभी ऑलरेडी उसका असर लगने लग गया, हवा आ रही है उधर से कभी कभी, इधर से कभी। दिस इज़ द वेस्ट साइड ऑफ माई रूम एंड दैट इज़ द नॉर्थ, तो नॉर्थ से हवाएँ आ रही हैं, लेकिन कभी कभी वेस्ट से भी आ रही है, मतलब साउथ से बेसिकली आ रही है, साउथ ठीक ना, वेस्ट से ही आ रही है। तो ये हवा का परिवर्तन, सुबह ठंडी हवा, रात को ठंडी हवा, बीच में पूरा दिन गर्म गर्म, इन द सेंस आपको अगर आप फुल बाजू वाले कपड़े पहनो ना, लाइक फुल स्लीव्स शर्ट्स, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स, ये सब कुछ पहनो, आपको सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मौसम हो गया है, मतलब लिटरली पसीना आता है। तो आई एम नॉट लाइकिंग, क्योंकि यहाँ पे गर्मी होता है करके स्वेटर उठा देते हैं या कुछ कर देते हैं, फिर सर्दी पकड़ लेती है, बहुत सारे सियापे हो रखे हैं अभी। तो एनीवे ये वाला फेज़, क्योंकि ये वाले फेज़ में मुझे माइग्रेन बहुत इजीली हिट करता है, कल हिट हो जाता है। क्योंकि देखो मेरा काम है इवेंट का, मैं इवेंट प्लानर हूँ, और मेरा इवेंट में शोर नहीं होगा, मतलब लाउड म्यूजिक नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कि मैं तो क्लाइंट को ये नहीं बोलूँगी कि बाबा मेरा सर दुखेगा आप लोग साउंड मत बजाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ज़्यादा साउंड, मतलब आई हैव टू, मतलब मैं सोचती हूँ कभी कभी व्हाट एन आयरनी कि मुझे ज़्यादा तेज़ धूप से दिक्कत होती है, मुझे ज़्यादा साउंड से दिक्कत होती है, मुझे नींद पूरी ढंग से ना हो तो दिक्कत होती है, मुझे खाना ढंग से ना हो तो दिक्कत होती है, ढंग से इन द सेंस टाइम टू टाइम। और मेरा जो प्रोफेशन है ना, उसमें ये सब कुछ मैनेज करना बड़ा औखा है, बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। एनीवे फटाफट से दिन की करते हैं शुरू, फटाफट से भरते हैं जर्नल। विथ माई शावर स्किन केयर, एंड इसलिए ना सुबह सुबह स्किन ऐसी अच्छा, ओह आई फॉरगॉट टू पुट ऑन लिप बम। अभी फटाफट से चलते हैं नाश्ता बनाते हैं, आज मुझे पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा है, एक ही खाऊंगी ऑफकोर्स, बट देखते हैं। ऑलराइट, मेरा लंच वंच हो गया है, मैंने काफ़ी सारा घर पे बैठ के काम कर लिया, अभी है काम बाहर जाने का, इसलिए मैं तैयार होने लगी हूँ फटाफट से। इसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा तो मैंने सोचा कि पहले ही बता देते हैं।
मैं जा रही थी थोड़े इवनिंग के तरफ, लाइक मुझे रात को आते आते थोड़ा लेट होता और डिनर मैं अर्ली करती हूँ, तो मैंने सोचा कि ना डिनर थोड़ा प्रिपेयर करके साथ में ले जाया जाए सो दैट मैं बाहर ना खाऊं या फिर घर आके बहुत लेट डिनर ना करूं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप की मेरे लिए कोई स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है, जो भी वेजिटेबल मुझे मिलता है जो मैं सूप में डाल सकती हूँ एटलीस्ट मेरे हिसाब से वो डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल में सौते कर लिया, गार्लिक दे दिया, सॉल्ट एंड पेपर एंड दैट्स प्रेटी मच इट। कॉर्न भी था मेरे पास तो आई पोटेड कॉर्न, एंड पोटेड नहीं होता पोटकॉर्न होता है यार, भूल जाती हूँ कभी कभी एनीवे तो पानी डाल दिया, ये उबारा आ गया तो देन उसमें मैंने कॉर्नस्टार्च की स्लरी मिला दी सो दैट थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बाकी अगर आप ना मतलब चाहो तो नहीं भी मिला सकते हो, दैट्स टोटली अपॉन यू। और इसको मैंने पैक कर लिया थर्मस में, बिलीव मी दिस हैज़ बीन द बेस्ट परचेज ऑफ 2023 में मैं परचेज किया आई बिलीव ये, एंड दैट वॉज अमेजिंग। यहाँ आ गई हूँ मैं अपने फ्रेंड के शादी का गिफ्ट खरीदने। सो आई एम बैक होम एंड टुडे आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम, आई एम गोना स्ट्रेट अप स्टार्ट द पेंटिंग का बफिंग वाला काम। दो दिन से पेंटिंग है सो लेट्स डू इट। ऑलराइट, टाइम टू गो टू बेड, आई डिड सम वर्क एंड रेस्ट, बाकी मैं इतने मोटिवेटेड नहीं थी आज। So didn't write, I was supposed to write something, I was supposed to edit. दो दिन से मेरा वीडियो नहीं गया, दो दिन से, and I really don't want this to happen. मैं ये चेंज छोड़ना नहीं चाहती, but the thing is कभी कभी ना you just don't feel like doing anything. And today was the day, I had plenty of time today. Busy थी कुछ वक्त but enough time था जो काम मैंने सोचा था करने का। I had plenty of time to do that, but I was not motivated enough. And this may sound like a मतलब bratty problem, but sometimes you just can't force yourself to do a few things which are supposed to be done, but not like you don't feel like doing it or doing nothing. And I'm in that phase anyway. I just hope tomorrow is a better day. And tomorrow I can do better. Yeah, book पढ़ के मैं सो जाऊँगी। मैं आपको मिलूँगी मेरे कल के वीडियो में, तब के लिए I hope I'll feel better and tomorrow next vlog में I'll be in a positive and better energy. So bye bye, good night for now.